हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का क्लास क्या होने वाला है, आज हम तुमको बताएंगे आई बी पी एस पी ओ में 2012 से लेकर के जो चेंजेस आए हैं। 2012 में कितनी वैकेंसी आती थी और आज 2020 में कितनी वैकेंसी रही है, ओके, और क्या कट ऑफ रहा है, ठीक है, और कट ऑफ के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक आइडिया लग जाएगा तुमको कि ये एग्ज़ाम क्या है और क्या इस एग्जामिनेशन में चेंजिंग आई है, कॉम्पिटिशन लेवल कहाँ से कहाँ आ गया है, ठीक है। तो चलो, अगर हम तुमको अभी बात कर ले, ये 2012 की अगर हम बात करें कि 2012 में कितनी वैकेंसी आती थी, 2012 में कितनी वैकेंसी आई थी, 22,000 वैकेंसी आई थी IBPS PO की, IBPS PO, ठीक है। 2012 में 22,000 वैकेंसी आई थी। और अगर हम 2013 की अगर आपसे हम बात करें, पूरा लिस्ट ही हम तुमको दिखा दे रहे हैं, 21,680 वैकेंसी आई, ठीक है। कितनी वैकेंसी आई, 21,680, चलो अच्छे से लिख देते हैं कि 12 में कितनी वैकेंसी आई, 12 में आई हमारे पास 22,000 वैकेंसी, ओके। और 13 में आई हमारे पास कितनी वैकेंसी आई, 13 में हमारे पास 21,680 इतनी वैकेंसी आती थी। और इस बार कितनी वैकेंसी आई है 2020 में, आज आपको जैसे कि पता होगा कि वैकेंसी इंक्रीज की है, IBPS PO की वैकेंसी इंक्रीज की है। आपको ये बात अगर नहीं पता है तो पता रखिए, एक बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने आपको वैकेंसी इंक्रीज की है। तो अब जो आपकी टोटल वैकेंसी हो गई है 2020 में आपकी टोटल वैकेंसी हो गई है 1417 वैकेंसी हो गई है, ठीक है। 2019 में कितनी वैकेंसी थी पता है, 2019 में आपको जो वैकेंसी थी IBPS PO की, तो वो थी 4336। 18 में थी आपको लगभग 2018 और 19 में सेम वैकेंसी रही है 4252, ठीक है। और 17, 16, 15 और 14, ठीक है। ये देखो 14 में कितनी वैकेंसी रही, 14 में 16,721 वैकेंसी रही, 15 में आपको कितनी वैकेंसी रही, 12,434, ठीक है। अब हम लोग कट ऑफ की तरफ चलेंगे कि कट ऑफ में क्या फ़र्क पड़ा, इतनी वैकेंसी जो डिक्रीज की तो कट ऑफ में क्या फ़र्क पड़ता चला है, ठीक है। 2016 की बात करें, देखो 2016 में बहुत कम वैकेंसी आई, 8,822, और उसी टाइम से हल्ला होने लगा था कि वैकेंसी बहुत कम हो रही है, वैकेंसी बहुत कम हो रही है, ठीक है। और देखो 17 में बहुत कम हो गई, 3,562 वैकेंसी, ठीक है। ये तुमको पूरा 2012 से लेकर के 2020 तक की, आज तक की IBPS PO की वैकेंसी का डिटेल है, IBPS PO की वैकेंसी, ठीक है। ये तुमको पूरा ट्रेंड दिख रहा है। अब कट ऑफ भी जाहिर सी बात है, जब इतनी ज़्यादा वैकेंसी थी तो कट ऑफ कम था, अब जब इतनी कम वैकेंसी है तो कट ऑफ बहुत हाई जाने वाला है। अब क्यों हाई जाने वाला कट ऑफ, एक तो है कि कोरोना फैक्टर है, ठीक है। कोरोना फैक्टर क्या है कि कोरोना की वजह से ना काफ़ी लोगों की जॉब चली गई है, ठीक है। अब वो लोग जो होंगे वो काफ़ी आपको तैयारी जो करेंगे, कोई जॉब ऐसी खोजेंगे कि जहां उनकी जॉब सिक्योर रहे, तो गवर्नमेंट जॉब सबको ही ट्राई करता है, और जब गवर्नमेंट जॉब में आप सबको पहले टारगेट मारता है बैंकिंग जॉब की, उसकी सिलेबस थोड़ा सा ये कॉम्पिटिटिवली एसएससी यूपीएससी एग्जामिनेशन से कॉम्पिटिटिवली बैंक एग्जाम का सिलेबस कम रहता है, तो बैंक एग्जामिनेशन सबसे पहला टारगेट होता है अगर कोई सिक्योरिटी जॉब चाहे तो। लेकिन अब बैंक एग्जामिनेशन भी उतना इजी नहीं रहा है पहले की तरह, क्योंकि देखो ना कहाँ 22,000 वैकेंसी आती थी और कहाँ इस बार 1417 वैकेंसी है। देखो हम तुमको डीमोटिवेट नहीं कर रहे हैं कि ये वैकेंसी है, लेकिन रियलिटी तो है ना। अब आँख हम बंद कर लेंगे कि पहले इतनी वैकेंसी नहीं आती थी, अब इतनी वैकेंसी, हमको एक सीट चाहिए। हाँ, एक सीट चाहिए, लेकिन कॉम्पिटिशन का लेवल भी तो देखो, सिर्फ बोलने से नहीं हो जाएगा कि हमको एक सीट चाहिए और एक सीट के लिए हम लड़ेंगे। अरे एक सीट चाहिए, लेकिन जब तक कंपटीशन भी तो देखोगे, अगर किसी तुम लड़ाई में जा रहे हो तो सामने वाले इनिमी को भी तो देखोगे कि इनिमी का जो आपको फोर्स है उसकी तादाद क्या है, उसके पास कौन सी मिसाइल है, उसके पास कौन सा गन है, ये सब तो देखोगे, या सिर्फ बोलते हुए दौड़ जाओगे मैदान में कि हम तो जीतेंगे। जीतने के लिए कैसी प्रिपरेशन रहनी चाहिए वो आपको तो पता होनी चाहिए ना, कि जीतने के लिए कैसी प्रिपरेशन होनी चाहिए। अब तुमको साइट पर लेकर चलते हैं जहां तुमको कट ऑफ हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। गूगल पर लेकर चलते हैं, ये देखो ये सारी वैकेंसी है तुमको। अब अगर हम ये बात कर ले कट ऑफ की अगर हम बात करें, तो देखो 2016 का फाइनल कट ऑफ है,
फाइनल कट ऑफ जो अलॉटमेंट हुआ तो अनरिजर्व की आपको बात करें तो 57.40 रहा था ये आपको अनरिजर्व का कट ऑफ। और 2016 में मेरी कितनी वैकेंसी थी, 2016 में आपको 8,800 कितनी वैकेंसी है, 8,822 वैकेंसी है। ठीक है, पहले तो प्रीलिम्स नहीं होता था, पहले तो एक ही एग्जामिनेशन था 12-12 के टाइम में। ठीक है, तो हम 16 से लेकर चल रहे हैं आपसे। चलो अगर हम प्रीलिम्स का बात कर लें 2016 की, देखो जनरल कितनी है, 52.50 है आपको इसका मेंस का कट ऑफ है, ये मेंस का कट ऑफ है 52.50। 2017 आपको प्रीलिम्स अगर हम बात करें 2017 के प्रीलिम्स, तो देखो जनरल की कट ऑफ कितनी गई, 42.75। अब कोई सोच भी नहीं सकता है कि 42.75 कट ऑफ जाएंगी प्रीलिम्स की, बहुत हाई कट ऑफ जाएगा। ठीक है, देखो कट ऑफ कितनी गई है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का 2017 में, देखो 7 नंबर, इंग्लिश 5 नंबर, रीजनिंग 10 नंबर और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ओवरऑल कट ऑफ 42.75 2017 प्रीलिम्स की ये कट ऑफ रही थी। और अगर हम आपको आगे ले चले इसमें, अगर हम आपको आगे ले चले 2017 का मेंस का कट ऑफ, मेंस का कट ऑफ 82। देखो 17 में वैकेंसी कम थी, 17 में कितनी वैकेंसी थी, 2017 में आपको 3000, पहली बार इतना कम वैकेंसी आया था, 3562 वैकेंसी थी आपको 2017 में, जिसकी कट ऑफ जनरल की गई थी 82। ठीक है, मेंस कट ऑफ IBPS PO मेंस की कट ऑफ गई 82। ठीक है, और 19 की भी बात करेंगे, 19 में कितना कट ऑफ गया। ठीक है, और देखो यहाँ पे IBPS PO फाइनल कट ऑफ यहाँ पे हो गया अनरिजर्व 65.58, ये प्रीलिम्स का गया था। ठीक है, प्रीलिम्स का कट ऑफ 2018। ठीक है, पहले हम तुमको मेंस का कट ऑफ दिखा रहे हैं, ये प्रीलिम्स का कट ऑफ हो गया। 2018 का कितना कट ऑफ गया, 56.75, कितना कट ऑफ है 2018 का 56.75। टोटल वैकेंसी कितनी थी 2018 में, 2018 में टोटल वैकेंसी थी 4,252 वैकेंसी थी, जिसमें आपको ये गया था 56.75 आपको जनरल का कट ऑफ गया था। बाकी तो ओबीसी देख ही रहे हो, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, तो ये सब तुम्हारे सामने है ही, सिर्फ हम जनरल आपको मार्क कर दे रहे हैं ताकि वीडियो जो है काफ़ी लंबा ना रहे। और देखो अब 2018 में मेंस में कितनी कट ऑफ गई जनरल के लिए, 74.50। ठीक है, 200 out of 200 हैं ये मार्क्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब देखो क्या रहा, अब आपको सब्जेक्ट वाइज ये गई थी कट ऑफ। ठीक है, 19 का अगर हम बात करें, 2019 का रिजर्व लिस्ट अनरिजर्व 43.42 और इधर कितना गया अनरिजर्व 43.47। जनरल प्रीलिम्स का जनरल कट ऑफ कितना गया, 59.75। ओके, 2018-19 और 2019-20 का कितना कट ऑफ गया था, 2019-20 के कट ऑफ आपको कितना गया, 2019-20 का कट ऑफ हम लोग भी देख ले ही लेते हैं कि IBPS PO 2019 कट ऑफ, चलो इसी साइड से देख लेते हैं 2019 का कट ऑफ। ओके, देखो 2019-20 का कट ऑफ हमारे पास कितना गया है, 60.58 गया है फाइनल कट ऑफ 2020 का, 60.58 गया है। अभी जो आएगा 2021 का अलॉटमेंट होगा, 2019-20 का 60.58 गया है फाइनल कट ऑफ, और आपको 71.25 आपको ये गया था प्रीलिम्स का कट ऑफ। तो कितनी वैकेंसी थी पिछली बार, वैकेंसी थी 4,336। ठीक है, इस बार कितनी वैकेंसी है, इस बार आपको बहुत कम वैकेंसी है, इस बार आपको 1417 वैकेंसी है, 1417 वैकेंसी है। ठीक है, तो आपका कट ऑफ हाई जाएगा। देखो जनरल लोग भी हो, आपका कट ऑफ मिनिमम आपको 80 प्लस कट ऑफ तो जाएगा ही जाएगा, हम वो मिनिमम बोल रहे हैं कि 80 कट ऑफ जाए, हो सकता है 85 प्लस भी आपको कट ऑफ जा सकता है। तो अब सिनेरियो ऐसा आ गया है कि एक भी टॉपिक, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आना है। प्रीलिम्स में 100 है तो आपको 100 की तरफ दौड़ने का कोशिश करना है कि आपके मार्क्स 100 में 100 लाने का कोशिश करोगे। अगर 100 में 100 लाने की कोशिश करोगे तो 91, 92 पे भी रुकोगे तो तुम्हारा चांस रहेगा। ठीक है, हालांकि पेपर अगर डिफिकल्ट आएगा तो कट ऑफ भी डाउन होगी, इस बात को हम बोल रहे हैं कि अगर पेपर बहुत डिफिकल्ट आ जाएगा तो कट ऑफ तुम्हारी डाउन होगी। अगर कोई क्वेश्चन ही नहीं बना पाएगा तो कट ऑफ इंक्रीज नहीं होगी, कट ऑफ तो नीचे आएगी ही। लेकिन
अगर हम मान के चलें जैसा पेपर आता रहा है, हर साल जैसा पेपर आता रहा है, तो तुम 85 से प्लस कट ऑफ अभी मान के चलो, तुम 100 आउट ऑफ 100 का भी मॉक्स में टारगेट मानोगे, अगर 91-92 तक भी रुकोगे तो तुम्हारा एकदम ये रहेगा कि तुम मेंस की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट अपना मेंस का तैयारी फिर तुम स्टार्ट करोगे, मेंस की, IBPS PO मेंस की। देखो कोरोना टाइम है, कोरोना के वक्त में सारे लोगों की नौकरी, बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई है, तो अब जितना भी वैकेंसी है यार, जितना भी है, 1400 कुछ, कितना वैकेंसी है, 1417 वैकेंसी है, 1417 वैकेंसी है। इतनी ही वैकेंसी अगर तुमको मिल रही है तो एक ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये, क्योंकि अभी कहीं भी रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है और ये अपॉर्चुनिटी तुमको मिल रही है, तो तुम अपना इसमें 100% दो, ठीक है, 100% दो। अब क्या करें, पहले 22,000 वैकेंसी आती थी, अब आपको देखो कितना चेंज आ गया है। तो पहले कट ऑफ बहुत कम रहता था और बहुत आसानी से बैंक की नौकरी लग जाती थी, ठीक है, लेकिन अब बैंक की नौकरी बहुत मुश्किल हो गई है, कट ऑफ आपको बहुत हाई गया है, कंपटीशन आपको बहुत हाई चला गया है। एक तुमको हम रफ आइडिया दे दिया है कैसे कैसे कट ऑफ रहा है, तुम्हारे सामने सारी चीज़ें ला दी, और इस चैनल के साथ जुड़े रहना, तुमको फ्री लेक्चर्स तुमको इस चैनल पर अपलोड हो ही रहे हैं, तो उन लेक्चर को भी तुम देख सकते हो, ठीक है। और SBI IBPS PO इस बार के नोटिफिकेशन के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो तुम इस चैनल पे वीडियो अपलोड हो चुका है, IBPS PO में कोरोना को लेकर के, कोरोना वायरस को लेकर के क्या आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आया है कि कोरोना वायरस के चलते अब कैसे एग्जामिनेशन होगा, क्या होगा पूरे एग्जामिनेशन में, तो एक सेपरेट ही वीडियो हम उसके बारे में बता दिया है कि कोरोना को लेकर के क्या चेंजेस आए हैं, तो कोरोना को लेकर के जो चेंजेस आए हैं इस बारे में भी तुम देख सकते हो इस चैनल पर, ठीक है। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, ठीक है। मेरा ये मोटिव नहीं था कि तुमको हम डीमोटिवेट करें, हम तुमको दिखाएं कि पहले क्या सीन रहता था और अब क्या सीन आ गया है, अब क्या सीन आ गया है कि अब बस 1417 वैकेंसी हो गई ना, अब बढ़ गई आज तो 1417 वैकेंसी अब हो गई है, ठीक है। अगर तुम चाहो तो ये अपना आकलन कर लो कि किस लेवल पे हो तुम और अपना तुमको कितना एफर्ट देना पड़ेगा, ठीक है। बस तुमको दिखाया कि देखो पहले ये वैकेंसी होती थी तभी लोग रिलैक्स रहते थे थोड़े और तैयारी आसानी से हो जाती थी, लेकिन अब जो है आपको रिलैक्स नहीं रहना है, अब आपको रिलैक्स मोड से बाहर निकलना है और एक टफ फाइट देना है, ठीक है। होना ना होना अलग बात है, तुम अपना 100% दो, एक बात अपना 100% दो, और दूसरी बात ये कि हमेशा अगले दिन जितना तुम पिछले दिन मेहनत किए थे उससे ज़्यादा मेहनत तुमको अगले दिन करना है, ठीक है। हमेशा ये टारगेट बना के चलो कि कल हम जितना मेहनत किया था आज उससे ज़्यादा मेहनत करेंगे, अपने आप को इम्प्रूव करो और कोशिश करो कि इस बार वैकेंसी आई है तो इसी बार तुमका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस तुम्हारे हमेशा साथ हैं, हम पिछले बार भी क्रैश कोर्स चलाया था और फाइनल सिलेक्शन में आपके स्टूडेंट्स का मैसेज भी दिखाया था अपने फेसबुक ग्रुप पे शेयर करके, ठीक है। तो इस बार भी फ्री जैसे क्लासेस चली थी, फ्री क्लासेस चलेंगी मेरे इस यूट्यूब पे चैनल पे ही, तुमको ये IBPS PO की फ्री क्लासेस चलेंगी और जो यूजफुल साइट होगा तो तुम वहां से भी साइट से जा करके भी ये कर सकते हो, ठीक है। करियर पावर की एक बहुत अच्छी ऑथेंटिक ये साइट है, तुम यहां से स्टडी मटेरियल्स वगैरह भी देख सकते हो, ठीक है। कोई हमको ये प्रमोशन नहीं मिल रहा है कि साइट का हम कुछ प्रमोशन करें, लेकिन एक अच्छी साइट है तो तुमको बता दें कि करियर पावर एक अच्छी साइट है, यहाँ से भी तुम अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह और बाकी सब जो करंट अफेयर्स वगैरह ये सब देख सकते हो, ये सब बहुत अच्छा रहता है यहाँ, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस यहाँ तुमको फ्री लेक्चर्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं और एक क्रैश कोर्स भी हम लॉन्च कर देंगे, या फिर जो वीडियोस हम आपको ऐसे भी अपलोड कर रहे हैं डेली, जैसे सिलॉक्स का वीडियो अपलोड किया था, DI का वीडियो अपलोड है, पजल फॉर बैंक एग्जामिनेशन का जो कोर्स है, ये सारे कोर्स आपको बहुत हेल्पफुल होंगे और आपको काफ़ी अच्छा मार्क्स दिला देंगे आपके एग्जामिनेशन में, तो ठीक है। इस वीडियो को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं, ऑल द बेस्ट गाइस, ठीक है। अपने बेस्ट दो और कोनान क्लासेस के साथ जुड़े रहो, हम लोग अभी और काफ़ी सारे क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम क्या करेंगे पब्लिश, नेक्स्ट वीडियो हम नंबर सीरीज का क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपको RRB के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, नंबर सीरीज, और उसमें चलो LIC का भी हम जोड़ देंगे, LIC और RRB दोनों, LIC WO एग्जामिनेशन हुआ था ना, दोनों का एक ही वीडियो में कर देते हैं, तो चलो एक ही वीडियो हम पब्लिश कर देंगे दोनों का, हम नंबर सीरीज मेमोरी बेस्ड नंबर सीरीज हम पब्लिश करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो। तो ऑल द बेस्ट गाइस, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, ओके। लाइक करते हो तुम लोग तो हौसला अफजाई होती है और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ठीक है। सारा वैकेंसी का भी लिस्ट और सारे कट ऑफ का भी लिस्ट हम आपके साथ शेयर कर दिया है, यहीं पर इस वीडियो को हम वाइंड अप करते हैं, ओके। ऑल द बेस्ट गाइस।